दोस्तों सैमसंग ने पिछले साल ही खास तौर पे मिड और बजट रेंज में कई सारे बेहतरीन स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपनी गैलेक्सी ए सीरीज और गैलेक्सी एम सीरीज में कई बजट और मिड बजट स्मार्टफोन पेश किए। ये स्मार्टफोन बेहतर कैमरे और परफॉर्मेंस के साथ आते हैं जो कि यूजर्स को उनके बजट के साथ मिल जाते हैं। गैलेक्सी ए सीरीज में इस साल भी कंपनी ने अपने कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए। इस सीरीज में हाल ही में लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी A21s का आज हम करने वाले हैं रिव्यू, जो कि अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ था। तो चलिए बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले और डिज़ाइन को लेकर। तो गैलेक्सी A21s के अंदर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। फ़ोन में आपको एच टू एच डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी वजह से आप वीडियो कंटेंट ब्राउज करने में फुल स्क्रीन का एक्सपीरियंस मिलता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको 16 मिलियन कलर डेप्थ भी मिल जाते हैं। फ़ोन में आपको PLS TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है। फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको ग्लासी हेलोग्राफिक फिनिश दी गई है, जो कि इसके लुक को बेहतर बना देती है। इसके बॉडी में स्मूथ कवर दिए गए हैं, जिसकी ग्रिप करने में कोई परेशानी नहीं आती। फ़ोन का वजन जो है वो 190 ग्राम का है, जो भारी भी नहीं लगता। फ़ोन के बैक पैनल में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ साथ रियर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फ़ोन के कैमरे का डिज़ाइन इस साल लॉन्च हुए सीरीज के दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह ही है। फ़ोन में आपको रेक्टेंगुलर साइज में कैमरा सेटअप दिया गया है। फ़ोन में आपको कैमरे के साथ ऊपर की तरफ LED फ्लैश दिया गया है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। वहीं फ़ोन के राइट हैंड पे आपको और वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। फ़ोन में नीचे की तरफ बात करते हैं तो USB टाइप सी चार्जिंग, 3.5mm ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर। प्रोसेसर की बात करें तो ये कंपनी ने Exynos 850 चिपसेट के साथ आता है, जो 8nm प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। फ़ोन के अंदर आपको दो स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाते हैं, 4GB 64GB और 6GB 128GB। फ़ोन के स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड के लिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं। फ़ोन में आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि मल्टीटास्किंग में स्मूथली काम करता है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पर आप हाई एंड डेफिनेशन गेम खेल सकते हैं, लेकिन उनमें कभी कभी लैगिंग का इशू भी मिल जाता है। इसलिए आप ज़्यादा हाई डेफिनेशन गेम्स खेलते टाइम लैगिंग की प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे काम करता है। फ़ोन में आपको 5000mAh की दमदार बैटरी भी दी गई है। फ़ोन में अगर हम बात करते हैं साउंड परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी का एटमॉस फीचर दिया गया है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको गेमिंग के साथ साथ मल्टीटास्किंग में भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस दे सकता है। फ़ोन में आपको वीडियो कंटेंट ब्राउज करने में भी आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फ़ोन को फुल चार्ज होने में 1 घंटे का समय लगता है। एक बार फ़ोन चार्ज करने में इसे आप 1 से 1.5 दिन तक आराम से यूज कर पाएंगे। बात करते हैं कैमरे को लेकर। तो फ़ोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2 अपर्चर के साथ आता है। फ़ोन का 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। ये दोनों कैमरे 2.4 अपर्चर के साथ आते हैं। फ़ोन में सेल्फी के लिए आपको 13MP का फ्रंट कैमरा दे दिया गया है, जो कि पंच होल के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है। फ़ोन के सेल्फी कैमरे को आप 2.2 अपर्चर के साथ आता है। फ़ोन के रियर कैमरे से आप फुल HD रेजोल्यूशन में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए वीडियो को आप 90-20-1080 पिक्सल्स पे चला सकते हैं। वहीं सेल्फी कैमरे की से बात करें तो HD वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। फ़ोन में आपको ऑटो फोकस नहीं दिया गया है, साथ ही नाइट मोड फ्रंट फ्लैश भी नहीं है, जो कि आपको निराश कर सकता है। इसमें आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बिल्कुल मिस मिलेंगी आपको कैमरे फीचर्स के अंदर, ऑटो फोकस, नाइट मोड और फ्रंट फ्लैश, जो कि होता तो और बेस्ट हो सकता था। सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए इसके कैमरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप बेहतर सेल्फी क्लिक करके सोशल मीडिया अपलोड्स कर सकते हैं। साथ ही फ़ोन के कैमरे में आपको स्लो मोशन, अल्ट्रा स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। फ़ोन में आपको नॉक सिक्योरिटी फीचर दिया गया है, जो आपके फोटोज फाइल्स को सिक्योर करता है। अब बात करते हैं टोटल फ़ोन के बारे में। तो गैलेक्सी A21s दो स्टोरेज ऑप्शन 4GB 64GB और 6GB 128GB ऑप्शन में आता है। फ़ोन के बेस वेरिएंट की कीमत जो है वो 16,499 रुपये, उसके हाई एंड वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये। फ़ोन को 3 कलर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू में। फ़ोन के कैमरे और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको निराश नहीं करेगा। इसमें आपको सोशल मीडिया अपलोड से लेकर वीडियो कॉलिंग तक बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको दमदार बैटरी दी गई है। ये आपके लिए चीनी बजट स्मार्टफोन का एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है।